हेलो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्रेन रेडियस। यहाँ हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्रेन रेडियस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेन का रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आप लिफ्टिंग जॉब करते हैं तो लिफ्टिंग जॉब में बहुत इम्पोर्टेंट है क्रेन का रेडियस देखना। क्रेन के रेडियस से ही क्रेन का कैपेसिटी वगैरह पता चलता है। तो क्रेन का रेडियस हम कैसे निकालेंगे, हम लोग 10th में या 12th में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, क्रेन का रेडियस निकालेंगे। अभी अब रिपीट हो जाएगा, जो भी 10th और 12th में पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम तो वो रिपीट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है ना, जो हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अभी हम फिगर बना के आपको दिखाएंगे। हाइपोटेनियस क्या बोलता है, द साइड अपोजिट द राइट एंगल, ठीक है ना, अपोजिट द राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ओके। यहां पे क्या बोल रहा है, जो हाइपोटेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस का द साइड अपोजिट द राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। जो एंगल होता है ना, जो हाइपोटेनियस का दोनों साइड होता है राइट एंगल के अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैं ये यहाँ पर ये राइट एंगल हम बना रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में क्या है ना, ये जो राइट एंगल का जो होता है ना 90 डिग्री, उसके अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है ना, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, उसको सी हम मानेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस को सी मान लेते हैं, ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री जो है, तो यहाँ पर हम इसको क्रेन के जैसे दिखेंगे, ठीक है ना। क्रेन के जैसे हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए यह क्रेन है, ठीक है, और ये क्रेन का ये बूम है, ये जो है ना ये बूम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फॉर्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, बूम लेंथ जो होता है ना, बूम लेंथ, ओके, बूम लेंथ का जो स्क्वायर होता है, तो यहां पे क्या है, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर प्लस बूम लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, बूम लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बूम लेंथ हम इसको मानेंगे हाइपोटेनियस को, और रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस होता है किसी भी, ये रेडियस होता है, बी जो होता है रेडियस होता है, और ए जो हो जाएगा ये बूम का हाइट है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है हाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं रेडियस, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बूम लेंथ, बूम लेंथ और माइनस बूम हाइट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, बूम हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो बूम हाइट का स्क्वायर ये कैसे होता है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेडियस को हम यहाँ पे किए हैं ना, तो रेडियस को हम इधर साइड में, जैसे इसको रेडियस को इस पर छोड़ दिए, और ये बूम लेंथ यहाँ पे है ना, और इसको इधर लेके आएंगे, प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बूम लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बूम हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वल टू हम देखते हैं रेडियस, रेडियस का इक्वल टू करते हैं, अगर ये स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट में जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो बूम लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, बूम लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बूम हाइट, बूम हाइट, ठीक है, बूम हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक क्रेन बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये क्रेन है, ओके,
ये क्रेन है, ठीक है ना। तो ये क्रेन का जो होता है ना, ये आपका क्या आ गया, ये इसका एंगल आ रहा है, ठीक है। और ये इसका यहाँ से हम रेडियस देखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये एंगल आ रहा है, ये रेडियस देख रहे हैं, ये एंगल आ रहा है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। तो ये क्रेन हो गया, क्रेन है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। सी हाइपोटेनियस है। तो ये क्रेन से हम देखते हैं पाइथागोरस क्या बोल रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम स्क्वायर को हटा रहे हैं तो ये अंडर रूट में चला गया, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आप अभी। यहाँ पे हम जो क्रेन देख रहे हैं, तो ये क्रेन का क्या है ना, ये बूम लेंथ है, ये क्रेन का ये बूम आता है जो उसका, तो ये बूम लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बूम लेंथ देखते हैं, बूम लेंथ, बूम लेंथ क्या हो गया 25 मीटर, इसको हम देखते हैं 25 मीटर। और ये क्या है, बूम हाइट है, ठीक है ना। यहाँ से ये ब्लॉक गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बूम हाइट, बूम हाइट, बूम हाइट हो गया 15 मीटर, ठीक है। बूम हाइट हो गया 15। और ये जो होता है, ये जो है क्रेन का रेडियस है, क्रेन रेडियस, ओके। यहाँ से और यहाँ तक, क्रेन से लेकर और जहाँ से मटेरियल गिरता है ना, तो यहाँ तक जो होता है क्रेन का रेडियस होता है, ठीक है ना। तो अपने को क्या है, ये क्रेन का रेडियस ही निकालना है। तो यहाँ एक पता चल गया आपको, यहाँ पे ये बूम लेंथ 25 मीटर हो गया और बूम हाइट हो गया 15 मीटर, ये हाइट जो हो गया 15 मीटर। तो ये सी हो गया 25 मीटर और ये बूम लेंथ जो है ए हो गया 15 मीटर, ये इसका हाइट जो है 15 मीटर हो गया। रेडियस अभी हम निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं रेडियस, ठीक है ना। रेडियस इक्वल टू हम देख रहे हैं, ये क्या होता है कि यहाँ पे बूम लेंथ देख रहे हैं, बूम लेंथ कितना है, ये बूम लेंथ है, ठीक है ना, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 का हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस हम क्या करेंगे, माइनस हम बूम हाइट करेंगे। बूम हाइट कितना है, 15 मीटर, 15 मीटर क्या है, बूम हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट अंडर में होगा 25 का, 25 से हम मल्टीपल करेंगे तो 625 होता है, और 15 से 15 मल्टीपल करेंगे तो 225 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम माइनस करेंगे 625 में 225 को, तो 400 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस में क्या होता है ना, ये रूट अंडर से हटाएंगे 400 को, तो 20 मीटर ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, बूम लेंथ 25 मीटर और बूम हाइट 15 मीटर है, तो इसका क्रेन का रेडियस क्या होगा। तो क्रेन का रेडियस अभी कितना पता चला, 20 मीटर इस क्रेन का रेडियस होगा। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके ही आप कोई भी लिफ्टिंग जॉब करते हैं तो उसका रेडियस आप कभी भी एकदम आसान से निकाल सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।